हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका नॉन रिकॉर्डिंग लैंग्वेज। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका रिकॉर्डिंग लैंग्वेज, या फिर जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या फिर जिसे हम साइमन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आपका इंडियन इरीगेशन डिपार्टमेंट है, जो भारतीय जो सिंचाई विभाग है, वो भी आपका क्या प्रेफर करता है, वो साइमन लैंग्वेज को ही प्रेफर करता है। ठीक है, यानी जो जो सिंचाई विभाग है वो हमारे इंडिया का, उसमें कौन सा यूज़ होता है आपका, वो साइमन लैंग्वेज ही यूज़ होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें नॉन रिकॉर्डिंग लैंग्वेज की, तो ये आपके तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका, पहला है टिपिंग बकट लैंग्वेज, ठीक, दूसरा है आपका वेइंग टाइप लैंग्वेज, थर्ड है आपका फ्लोट टाइप लैंग्वेज। ठीक है, देखिए इन्हें तीनों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है आपका टिपिंग बकट लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए टिपिंग बकट लैंग्वेज की हम बात करें तो क्या होता है ये, इस वर्षा मापी में 30 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार परिवेशिका लगी होती है। ठीक है, यानी क्या होता है, जैसे आपका सब डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये आपकी जो आपका रिसीवर लगा हुआ है, ये इसके इसका डायमीटर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर व्यास का क्या लगा होता है आपका, ये रिसीवर लगा होता है। ठीक है, इसके नीचे एक फनल जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका परिवेशिका हो, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं, और इसके नीचे क्या लगा होता है आपका, एक फनल, यानी जिसे हम कीप कहते हैं, वो लगी होती है। ठीक है, फनल के ठीक नीचे नन्ही बाल्टियों का एक जोड़ा लगा रहता है। ठीक, यानी कि यहाँ से क्या होता है आपका, जो आपका यानी जो बारिश होती है वो यहाँ से प्रवेश करती है और नीचे फनल के थ्रू होकर कहाँ पहुँचती है, वो नीचे जो आपकी दो बाल्टियाँ लगी होती हैं, जो बकट लगी होती हैं नीचे, उसमें आपका ये पानी पहुँच जाता है। ठीक है, लिखा आपका यह फनल के ठीक नीचे नन्ही बाल्टियों का एक जोड़ा लगा रहता है, वर्षा का पानी परिवेशिका तथा कीप से होकर बाल्टी में कलेक्ट होता रहता है। ठीक, यानी क्या हुआ, पानी आपका क्या परिवेशिका यानी जो रिसीवर था उसके थ्रू कहाँ आया, फनल में आया, फनल से आपका क्या आ गया, ये जो बकट्स लगे हैं इनमें आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक बाल्टी में 0.25 mm से 1 mm, ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो आपकी 1 mm, यानी 0.25 से कहाँ कितनी होती है, 1 mm वर्षा एकत्रित होता रहता है, यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 mm तक होती है, जो आपके बकट लगी होती है। ठीक है, एक बाल्टी भर जाने पर ये स्वयं उलट जाती है। ठीक है, क्या होता है आपका, जैसे ही बाल्टी फिल हो जाती है, ये पूरी फुल हो जाती है पानी से, ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, फिर अपने मतलब ऑटोमेटिकली क्या होती है, ये उलट जाती है। ठीक है, मतलब दूसरी बाल्टी फनल के नीचे आ जाती है, यानी कि एक बाल्टी फुल हुई आपकी तो वो क्या हुआ, वो उलट गई, और दूसरी बाल्टी क्या हुई आपकी, फनल के नीचे, यानी जो आपकी कीप है उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, बाल्टी भरने तथा उलटने की क्रिया विद्युत सर्किट से जुड़े एक पेन द्वारा ग्राफ पेपर पर एकत्रित होती रहती है या अंकित होती रहती है। ठीक है, देखिए जैसे बाल्टी भरती है आपकी और उलटती है, ठीक है, ये क्रिया क्या होती है आपकी, जो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका, ठीक है, विद्युत सर्किट, इससे आपका क्या होती है, ये कनेक्ट रहती है। ठीक, और इसके थ्रू क्या हो जाती है आपकी, इसके द्वारा जो पेन लगा होता है, ठीक है, जो भी पेन लगा होता है उसके द्वारा ग्राफ पेपर पर यह अंकित होता रहता है आपका, जो भी क्रिया होती है यहाँ पे क्या है, ग्राफ पेपर पर अंकित होती जाती है, ड्यू टू आपका जो है, मतलब क्या है, ये विद्युत सर्किट के हेल्प से, ठीक है, अंकित होती जाती है, जिस पर से वर्षा की माप ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, यानी जो भी आपका जो ये यानी कि विद्युत सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो आपका पेन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका पानी का एकत्रित हो रहा है, इससे क्या होता है आपका, इसकी हेल्प से जो भी आपकी बारिश का जो भी रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है आपके एक ही ग्राफ पेपर पर आपका क्या होता है, एकत्रित होता रहता है, अंकित होता रहता है, और उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, आपकी जो बारिश होती है उसकी कैम यानी कि इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और कितनी आपकी बारिश हुई है वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए ग्राफ की वर्किंग क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल है थोड़ा ये, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी जो बारिश की जो इंटेंसिटी होती है, फिर बारिश की जो क्वांटिटी होती है, जो मेजरमेंट होता है बारिश का, वो कहाँ हो जाता है आपका, वो ग्राफ पेपर की हेल्प से हम जो है मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टिपिंग बकट लैंग्वेज। ठीक है, आपका सेकंड टाइप है आपका तुला प्रकार का वर्षा माप, भी कह सकते हैं वे टाइप लैंग्वेज। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर एक छोटी टंकी होती है, ठीक है, जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता रहता है। देखिए क्या होगा आपका, जो आपका रिसीवर लगा हुआ है, ये भी रिसीवर लगा हुआ आपका, और यहाँ भी क्या है आपका रिसीवर, यहाँ से क्या होगा आपका, ठीक है, रिसीवर इस तरह से आपके बोतल है, इसमें पानी आएगा आपका, ये रिसीवर लगा हुआ है, ठीक, इसके थ्रू फनल लगी हुई है, इसके थ्रू क्या होगा आपका पानी, जो भी बारिश होगी उसका पानी कहाँ आएगा, इस टैंक में आपका कलेक्ट होना स्टार्ट
हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, इस टंकी का संबंध स्प्रिंग लीवर तुला से होता है। ठीक है, ये देखिए आपके स्प्रिंग लीवर तुला। ठीक है, तो ये जो आपका टैंक है इसका संबंध किससे है आपका, इस स्प्रिंग तुला से है। ठीक है, और ये जो आपके स्प्रिंग तुला है, ये जो आपका लीवर बैलेंस है, ठीक है, इसका संबंध जो होता है, इसका संबंध आगे एक सूचक से होता है। ठीक, आगे एक सूचक लगा होता है। ठीक है, इस सूचक से आपका क्या होता है, इसका संबंध होता है। ठीक है, जो एक घूमने वाले ड्रम पर लगे ग्राफ पर वर्षा का वक्र अंकित करता रहता है। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका रोटेटिंग ड्रम है। ठीक, अब क्या, जैसे जैसे आपका ये ड्रम घूमता है, ऐसे ऐसे आपका क्या है, जो भी वर्षा का जो भी वक्र है वर्षा का, वो क्या होता है, वो आपका एक ग्राफ पेपर पर आपका क्या है, अंकित होता रहता है। ठीक है, ड्रम 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी इसका जो रोटेशन होता है वो किस तरह से होता है कि ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे में क्या है, पूरा एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, वक्र को देखकर वर्षा की तीव्रता तथा तुला तथा कुल वर्षा ज्ञात कर ली जाती है। अब क्या है आपका, जैसे ही आपका ये ड्रम घूमेगा वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, एक वक्र मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक वक्र मिल जाएगा और उस वक्र की हेल्प से ही जो आपका कर्व होगा, यानी जो ग्राफ होगा उस ग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे आप वर्षा की इंटेंसिटी और जो भी आपकी वर्षा की मात्रा है, जो टोटल कितनी रेनफॉल हुई है, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं, ये आपके स्वतः ही खुद ही वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैनुअली वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आपने अगर लगा दिया है कहीं पे ये रेन गेज, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा डाटा कितनी रेनफॉल हुई है, ठीक है, या फिर कितनी इंटेंसिटी रेनफॉल की, वो आपको सीधी सीधी यहीं से डायरेक्टली मिल जाती है। ठीक है, और इसमें आपको हर घंटे की इंटेंसिटी मिल सकती है। ठीक है, जबकि आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम की ही होती है, वो आपकी टोटल इंटेंसिटी देता है एक बार में। बाकी इसमें क्या है, आपको हर घंटे की आपको अलग अलग इंटेंसिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस है उससे, लेकिन क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हमारे इंडिया में जो प्रेफर किया जाता है वो आपका साइमन रेन गेज ही प्रेफर किया जाता है। बाकी जो डाटा जो मिलता है वो एक्यूरेट डाटा वो आपका यहीं से मिलता है, यानी जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं उनसे आपका क्या होता है, जो एक्यूरेट डाटा मिलता है, बट क्या है, कॉस्टली होने की वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी आपको कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।